द फाइनल फ्रंटियर को फतेह करने गई टीम इंडिया ने एक लंबे नौजवान बॉलर को टीम में चुना, इस उम्मीद में कि ये साउथ अफ्रीकन पिच का पूरा फायदा उठा पाएगा। पर इसी के साथ ये मैच जीत गई यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका 1-0 की बढ़त। अब इस टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के पास 32 रनों से ये मुकाबला जीता। दोस्तों, अक्सर मेरे मन में ये सवाल आता है कि आज हमारी बॉलिंग लाइनअप का सरताज कौन है। अगर इसका जवाब ढूंढने जाऊं तो अब सिर्फ दो नाम सामने आते हैं, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह, जेन्युइन विकेट टेकर जो खुद के दम पर किसी भी मोड़ से मैच का रुख पलट सकते हैं। गेंद नई हो या पुरानी, ये अपने स्किल और एक्सपीरियंस का कमाल दिखाकर कभी भी विकेट ले सकते हैं। फॉर्मेट कोई भी हो, ये दो नाम परमानेंट रहते हैं। हाँ, हाल ही में ODI और टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यही कारण है कि ये इनके कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बॉलिंग में चार चांद लगा रहे हैं। T20 में तो अर्शदीप सिंह है जो कि अब ODI में धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे हैं, लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है तो उसमें मेरा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। देखिए, जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं तो वहाँ एक अच्छा फास्ट बॉलर भी आपका काम कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपने नंबर 1 बनना है आपको 5 तगड़े फास्ट बॉलर चाहिए होते हैं, जिनमें से एक तो ऑलराउंडर बनता है। ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होने चाहिए जो सेना देशों में भी परफॉर्म करे, और अगर कोई इंजर्ड भी हो तो इसकी कमी ना खले। ऑस्ट्रेलिया को ही देख लो, उनके पास कमिंस स्टार्क और हेजलवुड तो फिक्स हैं, बाकी मिचेल मार्श, रिचर्डसन ब्रदर्स, माइकल नेसर और कई यंगस्टर्स कतार में हैं। साउथ अफ्रीका के पास भी क्वालिटी फास्ट बॉलर मौजूद है, इंग्लैंड में भी इनकी कमी नहीं है, ठीक न्यूजीलैंड के पास भी एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर भरे पड़े हैं जो कि बड़े से बड़े बैट्समैन को चित कर सकते हैं। हमारे पास भी किसी समय ऐसा अटैक था जब कप्तान कोहली थे, तब ईशांत, उमेश, बुमराह, शामी और हार्दिक के होते हुए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कोई इनमें से इंजर्ड भी हो जाता तो हमारे पास उच्च कोटि के गेंदबाज मौजूद थे, मगर अब ऐसी विकेट टेकिंग मशीन नहीं है हमारे पास। यही कारण है कि बुमराह और शामी में से कोई भी इंजर्ड हो जाए तो हमारा सत्यानाश हो जाता है और जीतना नामुमकिन सा लगता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में हुआ बॉक्सिंग डे टेस्ट इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था, जहां जसप्रीत बुमराह अकेले ही लड़ते रह गए, मगर इनकी और बाकी गेंदबाजों के बॉलिंग फिगर्स देखकर ऐसा लगा मानो 12वीं का बच्चा 5th क्लास वालों के साथ खेल रहा हो। शार्दुल तो ना ही प्रॉपर बॉलर हैं, ना ही इनका कोई भरोसा। प्रसिद्ध ने तो अभी ही एक बिलो एवरेज डेब्यू किया है। उनका डेब्यू कराने का सोच इनकी लंबी हाइट का पूरा यूज़ करना था, पर खैर। हार्दिक टेस्ट खेलना नहीं चाहते, उमेश और ईशांत के डाउनफॉल ने उनका करियर ख़त्म कर दिया, ऐसे में दूर दूर तक कोई नाम ही नज़र नहीं आता। मैं सोच ही रहा था कि क्या बुमराह और शामी के बाद कोई इनकी लेगेसी को निभा पाएगा, तो दिल ने कहा नहीं। लेकिन तभी BCCI ने एक ऐसे खिलाड़ी को टेस्ट टीम में शामिल किया जिसने उम्मीद जगा दी, आवेश खान। भाई क्या बॉलर है ये, शानदार, और इस वक्त है भी टॉप फॉर्म में। उधर भारत पहला टेस्ट शर्मनाक 1 इनिंग से हारा और दूसरी तरफ ये जनाब आग उगल रहे थे। इंडिया ए के टूर मैच में शानदार 5 विकेट लिया। पहले चाहे इनका एटीट्यूड कैसा भी रहा हो, चाहे T20 में इन्होंने कितने ही रन क्यों ना खाए हो, मगर इस साउथ अफ्रीका के दौरे पर ये एक अलग आवेश नज़र आए हैं, जिनमें एक अलग तरह की आग नज़र आ रही है। प्रसिद्ध को टीम में इसलिए लिया गया था क्योंकि वो बॉल को अच्छे एरियाज पर हिट कर सकते हैं, पर मैनेजमेंट ने इस बात को अनदेखा कर दिया कि प्रसिद्ध ने आखिरी बार पूरी रणजी सीजन कब खेला था। आवेश का भी कुछ यूं ही हाल है, पर वो रेड बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। अब वो घातक तेवर, वो सीरियसनेस नज़र आ रही है इनकी बॉलिंग में, और साउथ अफ्रीका की पिचों पर ये एक्स्ट्रा बाउंस भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें दूसरे टेस्ट के लिए इंडियन टीम में शामिल किया गया चोटिल मोहम्मद शामी की जगह। थोड़ा सस्पेंस तो इस बात पर भी है कि इंजर्ड तो शामी पहले ही हो चुके थे, फिर रिप्लेसमेंट एक टेस्ट हारने के बाद क्यों? हो सकता है सही समय पर इन्हें टीम में खिलाया होता तो शायद भारत ना हारता। खैर, सीरीज तो अब हम जीत नहीं सकते, मगर दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज ड्रॉ तो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, 1 man's loss अदर मैंस अपॉर्चुनिटी। ऐसे में ये मैच महज एक टेस्ट नहीं बल्कि अग्नि परीक्षा होगी आवेश खान की, जो कि उनका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारतीय टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की करने की। देखना होगा क्या ये हमारी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, क्या भारत को शामी बुमराह की लेगेसी आगे बढ़ाने वाला नायक मिल चुका है। मुझे तो लगता है हाँ,
इनमें वो तमाम काबिलियत है। आपकी इस पर क्या राय है और क्या प्रशित को एक और मौका मिलेगा, कमेंट करके नीचे बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।